लागली तुम ना लो दामीची के आजू लोग ले डेकोरेशन चालू था, लेकिन डेकोरेशन यहाँ का तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। काफ़ी अच्छा से किया था, जैसा फूल चाहिए, जैसा डिज़ाइन चाहिए, सब कुछ का काम अच्छा से किया। और अभी ख़त्म नहीं हुआ, काफ़ी बाकी है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे फ्लावर्स आया है, चेयर वेयर और काफ़ी सारे फ्लावर्स लगाना अभी बाकी है, चारों ओर लगाएंगे। मतलब आज सुबह का 11 बजे तक ये शायद ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि कल वो अंकल ने बोला था हो जाएगा बोल के। और आगे जाके देखते हैं, कारीगर वो सब भी आ चुका है, खाना वाना वो लोग बना रहा है, खाने पर क्या क्या बना रहा है। मतलब देखो गाइस, 4 बजे से शादी का शुरुआत होगा, तो इसीलिए कहा गया कि आप लोग खाना वाना पूरा रेडी करके रखो। ये देखो आलू वालू काट के पूरा रेडी है, आलू फ्राई किया जा रहा है ना, आलू भाजी होगा ये। अच्छा, मतलब काफ़ी सुंदर तरीके से फ्राई किया जा रहा है, और साथ में ये यहाँ पे सब पानी गर्म ही कर रहा है यहाँ पे। ये सब अभी तक तो शुरू नहीं हुआ, काफ़ी ये तो हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि कितना लोग हैं आप लोग आए हैं? पांच आदमी हो जाएगा तब तो। चेयर वो सब बिठाया नहीं है, अरे इमरजेंसी में हमेशा जल्दी जल्दी में ही सभी काम होते हैं। यहाँ पे तो देखो अंकल जी पूरा गेंजी वेंजी पहन के प्याज काटने में लग गया, क्या बोलते हो भाला? नहीं भालो ना, सही बोला। और यहाँ पे कोई है, कोई कोई तो बकरी का जो टंगरी है ना, टंगरी साफ कर रहा है। आप लोग खाते हो क्या वैसे? देखो ये सब, काफी लोग मुझे अभी कमेंट करेंगे, अरे यार ऐसा वक्त पे कोई बलि देता है क्या? देखो गाइस, हम लोग तो पहले से ही ऐसे ही वेजिटेरियन नहीं है ना, और आप लोग भी सभी लोग खाते हैं ये सब, और शादी के वक्त में तो ये सब देते ही है हमारे यहाँ। मेरा एक फ्लावर्स इधर पे है, काफी सुंदर तरीके से फ्लावर्स वो सब लगाना हो गया। मतलब 11 तक खत्म हो जाएगा बोला, लेकिन अभी तक तो खत्म होने का कोई नाम भी नहीं है। और सेल्फी एरिया है यहाँ पे, कोई भी आके सेल्फी ले सकता है। और कारदम आप लोग देख सकते हो, अपना इंट्रोडक्शन दे दो। इंट्रोडक्शन कर जरूरी। और ये रहा हमारा वीडियोग्राफर कार्बी आंगन का फेमस सबसे, मिस्टर बिक्स मोइरांग ये। और ये आपका ऋषि चक्रवर्ती। ऋषि चक्रवर्ती, अच्छा आपका, आपके साथ ना एक साथ करते हो आप? मेरे बारे में पूछोगे नहीं क्या? I'm George. आप कौन हो? मैं जॉर्ज हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे सेल्फी लेने का, ये देखो जॉर्ज नहीं है, ये जॉर्ज है, ये जॉर्ज है, देखो इतना बदसूरत बंदर। सारा लड़का अपन पे पीड़ा होने वाला है, ये गलत फहमी मत रखो। तो वही बात है, अभी मैं घर चलती हूँ, मेरा मोबाइल पे 6% बैटरी है, थोड़ा चार्ज करना है, व्लॉग को अपलोड भी करना है यार। काफी खतरनाक, काफी प्रेशर हो रहा है यार, डेली व्लॉग करो, व्लॉग एडिट करो, व्लॉग अपलोड करो, ये काम ना बहुत खतरनाक है, फिर भी चलो करेंगे, मजा आता है इसमें। हे एवरीवन, अभी मेरा ब्रेकफास्ट करके खत्म हो चुका है, आगे से मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर नहीं पाई, क्यों पता है? क्योंकि मैंने अभी एक व्लॉग अपलोड किया और मोबाइल पे बैटरी बिल्कुल भी नहीं था, फिर मोबाइल चार्ज किया, बहुत सारा काम करना पड़ता है ना, तो चलो वहाँ पे जाके देखते हैं कौन क्या काम कर रहा है। कितना आगे बढ़ा है काम? थोड़ा बहुत बाकी है ना, सभी कुछ तो रेडी है, बस अभी बनाने का काम है। अभी सब कुछ फ्राई हो गया, देख के तो लग रहा है काफी टेस्टी मजेदार होने वाला है, अभी टेस्ट करके पता चलेगा। दाल तो बनके खत्म हो गया गाइस, इतना कुछ संभालना पड़ रहा है। और खाने खाने का जो जगह है, टेबल चेयर तो बिठा दिया है, लेकिन इतना खास नहीं लग रहा है, सुंदर है। ठीक है, ये वाला देखो, खाना वाना खाने के लिए ये वाला जगह अरेंज किया। और गाइस अभी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ, डेकोरेशन फ्लावर्स वो सब लगा के पूरा कम्प्लीट हो गया, काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। काफी दिनों से तो कंप्लीट हो गया, बोला था सब कुछ डेकोरेशन करके कंप्लीट हो गया, लेकिन मेन क्या है, जब तक फ्लावर्स वो सब लगेगा नहीं तो खूबसूरत कैसा दिखेगा। तो आप लोग देख सकते हो, आदम असार आ चुका है। वेलकम टू आवर वेडिंग, वी आर सो हैप्पी दैट यू आर हेयर, कामेंग एंड अभिजीत। मतलब मेरा आंटी का अपनी बेटी का ही शादी है, तो आप लोग देखो पूरा कंप्लीट है, अभी 4 बजे से शादी शुरू हो जाएगा। और आप लोग डेकोरेशन देखो, काफी सुंदर है, अभी कोई मिस्टेक्स नहीं है, कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका। आप लोग देखो बहुत स्टैंडर्ड लग रहा है। और ये जय गणपति बप्पा मोरिया, ये एक बंदर तुम एक बंदर, दोनों बंदर मिला के चुम्मा। तो चलो वहाँ पे जाके एक बार बैठ के, आप भी वीडियोस कर रहे हो? मेरा अंकल तो खतरनाक वीडियोग्राफर है, हमेशा देखते हो, वो वीडियोस में ही बिजी रहता है। तो ये देखो यहाँ पे भी डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, मैं तो आपको बताया ही था।
तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब काम आराम से खत्म हो गया। मतलब उन्होंने जितना टाइम मांगा उसके अंदर ही कंप्लीट कर दिया, तो काफी अच्छा लगा हमें। हम लोग तो अपने आप को तैयार करने में ही बिजी हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो देख सकते हो आप लोग, गोल्ड का जितना सारा नेकलेस, बैंगल्स, ज्वेलरी सभी कुछ है, और ड्रेस व्रेस भी रेडी है हमारा। अंबिका भी रेडी है, उसका रिंग लाइट भी रेडी है, मेकअप का सामान भी रेडी है, सब कुछ रेडी है। अभी थोड़ा टाइम के बाद मतलब मेकअप अभी स्टार्ट हो जाएगा। वाओ कितना सारा लिपस्टिक, वाओ। ये मतलब सबको अपना अपना सेट का मिल जाएगा ना। दोनों मिला के चुम्मा। 19 फरवरी है, मतलब आज शादी है दीदी का, मेरा नेंग का, तो इसीलिए हम लोग पूरा तैयार हो गए। देखो अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के कैसे लग रहे हैं। और ये जो मेरा दीदी है उसके साथ ही मैंने अपना व्लॉग का शुरुआत किया, क्योंकि ये भी इतना एक्साइटेड थी ना, काफी दिनों से खबर ले रहा था शादी का क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो ऐसे हम लोग रेडी हो गए, अभी हम लोग जा रहे हैं शादी के वहाँ पे, तो आप लोग भी बने रहो और दिखाते रहोगे कैसा कैसा होता है ना। वैसे ये शादी वाला ब्लॉग में आप लोग एलिस को देखते देखते बोर हो गए होंगे, तो आप लोग थोड़ा बहुत मुझे भी देख लो। और आज शादी है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और दुख भी लग रहा है, और दुख किस बात का है आप सभी को पता है। और बस अंदर में जाएगा और एलिस दिखाएगा, हो सके तो मैं भी दिखाऊंगा। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे हाथी भी आ चुका है यार, यहाँ पे फोटो वोटो क्लिक करने से बहुत अच्छा लगेगा। देखो अरे यार ये हाथी कहीं सो रहा है, मेरे को देख के देखा हाथी भी सो गया। ये देखो हाथी यार, अगर यहाँ पे रेत नहीं होता ना, सच में बोलता हूँ ना, ये पूरा ओरिजिनल हाथी जैसा लगता है। इसका कलर और इसका साइज ना पूरा एकदम ओरिजिनल हाथी की तरह है। और देख सकते हो इसका दांत भी कितना बड़ा है यार। भी आप लोग देख सकते हो, मैं ना अंदर में काफी मेहमान आए हुए थे ना, उन लोगों को अरेंज मतलब उन लोगों को बुलाना, ठीक करना, वो सब में बिजी थी। और मेकअप आर्टिस्ट भी अभी जाने वाली है, तो वही सब में बिजी थी, तो इसीलिए जा नहीं पहनू। देखो काफी खूबसूरत लग रहा है। आज ही वो दिन है जिस दिन के लिए मैं इतना सारा व्लॉग अपलोड कर रही थी, इतना अपना अपडेट दे रही थी। सच बताना, सच बताना, आज शादी हो रहा है ना, तुमको अच्छा लग तो सबको रहा है, पर दुख थोड़ा सा अंदर में है कि नहीं बताओ। आज तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा सहेली आज ये गांव छोड़ के चली जाएगी। फिर अभी मेकअप किए रोने का नहीं है, कल बहुत मैं तो रोऊंगी नहीं, अभी रोने का मन ही नहीं। कल रोने का है उन लोग, हम तो रहेंगे नहीं, हंसेंगे हंसेंगे, हम अपने ब्लड को अंदर में छुपाने वालों में से। अभी फिर मैं घर पे आई थी, अभी मैं जा रही हूँ अपना पर्स में ना कुछ पाउडर वाउडर ले जाके। किसका चार्जर चार्जर नहीं मिली को थोड़ा सा, अभी तो विंटर सीजन आया नहीं है, लेकिन विंटर सीजन नहीं आया फिर भी जब लोग थोड़ा ज्यादा होता है ना, तो थोड़ा सा पसीना वो सब निकलता है, तो वो पाव मारने के लिए मैंने थोड़ा पाउडर वाउडर रखा है। और हमारा ये देखो वीडियोग्राफर, ये तो ऐसे झूठ मूठ का वीडियो कुछ तो कर नहीं रहा है। हाय, वैसे कैसा लग रहा हो जाएगा शादी? वैसे तो आपने तो आप तो पहली बार हो जाएगा ऐसा काफी शादी में अटेंड किया है ना, पहली बार ना, तो कैसा फील हो रहा है? मतलब कुछ अलग लगा, अच्छा लगा? हमारे यहाँ पे आके आपको कैसा लगा वो पहले बताइए। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। पुनः पहली बार हमारे यहाँ पे आया, मजा आया। और आप तो बहुत अच्छे हो वैसे, और वैसे आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हम भी पहली बार अटेंड किया, हो जाएगा सलमान खान। अच्छा, और गाइस यहाँ पे देखो हमारा दोनों भाभिया एकदम हीरोइन, मतलब क्या बोलूं, खूबसूरत देखो दोनों, एक तो पूरा चमक रही है और एक खिल रही है पूरा एकदम खूबसूरत। और ये देखो मेरा नू, मेरा गोबर लग गया, लगने तो कोई बात नहीं होता है। वैसे कार्डम आपका ड्रेस कैसा लगा? काफी सुंदर लग रहे हो आप तो, ऐसा हाँ। और ये देखो ये भी मेरा नुए, कैसे इतना सुंदर, मतलब क्या ही बोले, सुंदरता का कमी नहीं है यहाँ पे, है ना। और नानू को चलना, नानू चलो चलो चलो, जाओ 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 जाओ, मम्मी के साथ जाओ, जा जा सब भोई को रे, ही भोई को रे, भाग गाइस। सबको पता है मेरे को आज क्या क्या नहीं बनाया उन्होंने, वीडियोग्राफर बना दिया यार, सभी का जितना सारे लोग आ रहे सब लोग मुझे अपना सबका कैमरा थोप के बोल रहा है कि मेरे को फोटो खींचो दुल्हन का। ज्यादा दिन नहीं है, तुम्हारा सारा इनकम खत्म होने वाला है। सुनो पैसा, ओके गाइस, मानू भीड़ बेकार, लास्ट
गाइस अभी क्या हो पता है, मतलब मैंने बोला सीख है, बोले कुछ लोगों को लेके कि वहाँ पे आके देखा कि सीख तो था नहीं, उसको रिटर्न करवाना पड़ा, मतलब स्वरूप भी आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, देख रही है देख सकते काफी लोग आ चुका है। वाओ इमान दुनिया लागी आसे सबे कोई लाभ ना आरो आरो हमार दुल्हनक माने सबे धरी लेसे त बेसी टाइम ना आरो काफी मेहमान आ रहे हैं। और देखो मतलब अपना ही घर का सारे सभी को मैनेज करना पड़ता है, सभी को बुलाना पड़ता है, वेलकम करना पड़ता है, तो ऐसे में काफी टाइम लग जाता है। तो कोई बात नहीं, अब बच्चा देखो अभी खाना खा रहा है ना, अमिथंग अंचोथक मना चोथक क्या मम्मी से पचो नांग जी दी। ओ देखो कितना प्यारा है, देखो खाना खा रहा है। ओ चलो तो देखो मेरा दीदी भी अभी खाना खा रही है, काफी भीड़ है, मतलब खाने की जगह काफी ज्यादा भीड़ है और लाइट का कुछ प्रॉब्लम दे रहा है यार रात को। गाइस अभी मैं आप लोगों को कुछ नजारा दिखाना चाहती हूँ। बाहर जोरों शोरों से बहुत कुछ चल रहा है, खाना वाना खाने में सब व्यस्त है, ये दोनों भाई बहन यहाँ पे गप्पे मार के हंस रहे हैं जोर जोर से। वैसे बात क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, खाने पीने का? मैं अंदर से देख रही हूँ क्या बात चल रही है, इतना जोर। अच्छा रिसेप्शन क्या खाना खाने का जो पीछे के, अच्छा ये तो खतरनाक रिसेप्शन है। और लोखाई तो लोखाई आप भी क्या कर रहे हो यहाँ पे, आगे रहना चाहिए था ना आपको, आपको तो आगे रहना चाहिए था, आप तो पीछे हो गया। अभी आ रहा है, अभी आ रहे। अच्छा सब आदमी जाने के बाद आप आगे आओगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। इंतजार तो करना पड़ेगा। अच्छा इंतजार करो, ठीक है आराम से इंतजार करो आप। और यहाँ पे देखो खाना वाना बना जा रहा है, मतलब बन रहा है, खिला रहे हैं, बन रहे हैं। यहाँ पे देखो काफी सारे प्रेजेंट्स भी है, जितने लोग प्रेजेंट्स दे रहे हैं ना, इन सारा प्रेजेंट्स को यहाँ पे रख रहे हैं लोगों को। मैं ना व्लॉग ना कंटिन्यू कर नहीं पा रही हूँ, क्यों पता है, क्योंकि ना आपको तो पता ही है अपना, जैसे कि सब कुछ तो हमें ही देखना पड़ेगा ना, इन लोग आ रहे हैं, उनको बुला रहे हैं खाना के लिए, सब तो हमें पूछना पड़ेगा ना, तो इसीलिए ये सब करने में ना गाइस नहीं हो रहा है, आई एम सो सॉरी। ठीक है आप लोग पूरा, ये बच्चा देखो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे छुप छुप के देख रहा है, कैसी हो, अच्छी हो, अच्छा तैयारी है ना। तो काफी सारे प्रेजेंट्स मेरे हाथ पे है, वहाँ पे मतलब फुल हो गया था, खड़ा होने का जगह नहीं था, तो मैं ऐसे ही करके प्रेजेंट्स को लेके जा रही हूँ एक रूम पे अच्छा से रखने के लिए। और चलो चलते हैं यार, काफी भारी है। मुझे बोला कि तुम इतना सारा प्रेजेंट एक हाथ में लेके जाओगे, मैंने बोला अरे यार जितना मेरे से होता है मैं उतना तो हमेशा करने का कोशिश करती हूँ, यही बात है। यहाँ पे रख देते अच्छा से, सामान ना टूटे, बस यही बात है, हो गया रख दिया, हो गया चलो अभी चलते हैं। मैं काफी थक चुकी हूँ देखो, इसलिए दीदी का कंधा में अपना सर रख के सोई हुई हूँ, इतना थकी हूँ मैं आगे से इधर से उधर उधर से इधर जा जाके ना। वैसे आपने खाना खा लिया? खा लिया। गाइस ये कितना खराब है, मुझे बोला भी ना अकेले जाके खाना खा रही हूँ। नहीं मैंने सोचा तुम खा लिया। हाय देखो देखो कितना प्यारा प्यारा कसलो मेसेज लंगा या लो मांगला कसलो आनी कसलो आनी गारो मोलो मा निने गारो पिक में पिक में। अच्छा वा आनी सो समा तेची दिया आनी नो पी दिया। तुम लोग इधर आओ, तुम दोनों इधर इधर पे आओ, इधर पे आओ। तुम दोनों को क्या करना है बताए, जब भी दुल्हन को प्रेजेंट देगा, सुनो जब भी दुल्हन को प्रेजेंट देगा तुम लोग जाना है दोनों को, और वो प्रेजेंट ना एक एक करके एक एक दोनों को उठाना है, तुमको एक उठाना है, तुमको एक उठाना है, उठा के सीधा दौड़ना नहीं है, पैदल चल के रूम पे आके रखना है, ठीक है दौड़ना नहीं है, बुझी लो वो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो इतने सारे लोग आए रहे ना, इनको संभालने में हम मतलब बिजी थे ना, ये अपना रूम पे अपने आप को बिठाने में व्यस्त है और मैं काम में व्यस्त हूँ। वैसे अभी मैंने बोला कि अच्छा जिसका इंतजार था फाइनली वो लोग पहुंचने वाला है, मतलब दूल्हा बराती अभी पहुंचने वाले हैं यहाँ पे, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को क्या ही बताओ। हम लोग तो यहाँ पे, आप यहाँ पे और मैं आपके पास, और यहाँ पे रह के ना हम लोग बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर जवाब नहीं दे पाया तो हम लोग अंदर घुसने नहीं देंगे, क्या बोलते हो? लड़की नहीं देंगे क्योंकि हमारा एग्जाम तो उसको पास करना पड़ेगा, तभी तो हम बेटियां देंगे ना उसको, है कि नहीं? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टेबल लगा चुके हम लोग, और दूल्हा अभी पहुंचने वाला है।
मेरा चार्जर लेके रंजीत भाग गया। चलो अभी जाके देखते हैं यार, बहुत सारा सामान अरेंज करना था, कुछ हो नहीं रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। और ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट व्लॉग में और बाकी जो जो है सब कुछ अपलोड करूंगी, तो आप लोग बने रहना। और नेक्स्ट व्लॉग काफी खतरनाक होने वाला है, बहुत मजेदार। तो तब तक के लिए बाबा, अच्छे से रहना, खुश रहना, चुम्मा सबको।